तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों एक्चुअली मैं अभी गया था अपने एक डेलीगेट से मिलने IGI एयरपोर्ट, देन मुझे लगा एक वीडियो बनानी चाहिए। अब मेरे पीछे देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़ा हूँ मैं, और G20 को लेकर जो तैयारियाँ चल रही है इंडिया में और जो दिल्ली में, खासकर प्रगति मैदान 1972 के बाद दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कराया गया और बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली वो दिल्ली नहीं रही, शायद वो बहुत कुछ दिल्ली का नक्शा बदल चुका है। और G20 को लेकर जिस तरह से हमें गर्व होना चाहिए भारतीय होके कि अभी चंद्रयान की हमें सबसे पहले खुशखबरी मिली लैंडिंग की, और अब G20 के अध्यक्ष हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो वो 3 दिन दिल्ली में लॉकडाउन सा रहेगा, ये खुशखबरी वाला लॉकडाउन है, बेकार वाला नहीं है। तो आप सड़कें देखिए कितना सुधार आ गया, दिल्ली एकदम नक्शा पूरा बदल चुका है। दिल्ली का साफ़ सुथरी चौड़ी सड़कें, रोड, अगर आप दिल्ली में या दिल्ली के आउट ऑफ दिल्ली हैं, एक बार दिल्ली ज़रूर विजिट करना, घूमना। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी दिल्ली दिखाऊंगा कि किस तरह से आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं, रोड, सड़कें कितनी अच्छी हैं। बहुत अच्छा बना दिया गया है दिल्ली को, और जी समिट के वजह से 7 तारीख से लेकर 12 बजे से 8 से लेकर 10 तारीख तक, यानी कि 3 दिन लॉकडाउन है, सब बंद है। दिल्ली में कोई एंट्री नहीं है भारी वाहनों की, और आप भी अवॉइड करें, और ख़ासकर ITO की तरफ तो बिल्कुल ही ना आए। तो चलते हैं, पूरी दिल्ली घुमाता हूँ और देखते हैं G20 ने कैसे नक्शा बदल दिया है दिल्ली का। और पीछे देखिए मेरे आप सुप्रीम कोर्ट, कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। दिल्ली आपको एक बार ज़रूर घूमने चाहिए, बहुत सी जगह हैं घूमने की। तो अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको घुमाता हूँ, बाकी शेयर लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो आती रहती है। ये एकदम से अचानक ही वीडियो बना दिया मैंने, क्योंकि मैं IGI एयरपोर्ट से आ रहा था, तो मैंने खुद ये फील किया कि कितना चेंजेस आ गया दिल्ली में। 3-4 साल बाद तो मैं अब निकला हूँ इस जगह पे, मैं आज से 5 साल पहले आया था, और अब देखिए कितनी अच्छी जो है नक्शा बदल गया। तो आइए चलिए घूमते हैं मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, वेरी फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमें दिल्ली आना कैसे। अगर आप आउटसाइडर हैं तो वेल कनेक्टेड है, कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो इजीली रेल, ट्रेन, बस और एयर से इजीली आप आ सकते हैं। और अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना व्लॉग, उस टाइम मैं निकल रहा था IGI एयरपोर्ट के लिए, तो मैं अभी IP एक्सटेंशन NH9, अगर आप सामने देखेंगे तो ये सराय काले खां हैं, यहीं से आप बस से बिजली आ सकते हैं। ये जो मेरे लेफ्ट साइड में आप वीडियो देख रहे हैं मैं बना रहा हूँ, ये है IP एक्सटेंशन। तो ये जो रोड देखेंगे ना आप, अब इसमें बुद्ध स्तूप भी है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये देखिए रोडों की कंडीशन, देखिए गाइस अगर आप पहले दिल्ली आए होंगे, ये देखिए ये पार्क है IP एक्सटेंशन पार्क, आपको लगेगा नहीं कि कितना न्यूली बना दिया गया है। वाइड रोड, ट्रैफिक बिल्कुल ही कम कर दिया गया है, इवन जो भारी वाहन है अभी से ही बंद कर दिए गए हैं। ये सामने आप देख रहे रेल का ब्रिज है, कितनी सुंदर इस पर डिज़ाइनिंग कर दी गई है। और जो दिल्ली को पेरिस बनाना है 2041 में, 2041, तो वो शायद काम अभी से स्टार्ट हो गया है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ से लेफ्ट लूँगा मैं सीधा प्रगति मैदान के लिए, जहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर बनता है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये सबवे रोड बना है सीधा, ये अभी बंद कर दिया गया, कई सारे रास्ते बंद हैं। दोस्तों मैं आपको बताता रहूँगा कौन से रास्ते बंद हैं। ITO की तरफ आप बिल्कुल ही मत आना, 8 तारीख से 10 तारीख के बीच में एंट्री नहीं है। और आपका अंबेडकर, एम्बेसी रोड और आपका सफदरजंग रोड, सारे रोड बंद होंगे, स्पेशली अभी से तैयारियां हो गई हैं। मेरे अगर राइट साइड में आप देखेंगे ना कितना सुंदर स्टैचू बना रखा है, पुलिस वाले अभी से तैनात हैं। यहाँ देखिए नॉर्मल डेज में अगर आप आएंगे ना यहाँ पे संडे, या फिर ये सामने साइंस म्यूजियम भी पड़ता है यहाँ पे। और अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे है हमारे भैरव बाबा का मंदिर, ये देखिए बैरिगेट्स लगा दिए गए हैं। ये सामने प्रगति मैदान, जो कि 1972 के बाद न्यू कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये देखिए भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, ये रास्ता भी बंद कर दिया गया, वैसे चालू रहता है, सब कुछ बंद कर दिया गया है, क्योंकि 20 देशों के जो हैं प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं दिल्ली में, तो ये बहुत गर्व की बात है। देखिए रोड देखिए एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगा, थोड़ा सा ये काम रह गया, ये चल रहा है। आप मेरे राइट साइड में देखेंगे ये नई बिल्डिंग बनाई, यहाँ पे एक्सपो, जितने भी प्रगति मैदान में पहले एक्सपो लगते थे जब हम पहले आते, तो सारे अब न्यू बिल्डिंग में ही लगते हैं। जैसे अभी बुक फेयर लगा था, ये मेरे राइट साइड, लेफ्ट साइड में देखेंगे ये पुराना किला है दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ नया बनाया गया है। लाइटिंग अगर आप रात को दिल्ली में निकलेंगे ना, इवन सेफ है रात को निकलेंगे, हर रोड पे आपको लाइटिंग ही लाइटिंग मिलेगी,
हर तरह के पौधे लगा रखे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम एम्बेसी रोड भी जाएंगे, इंडिया गेट भी जाएंगे, पूरी दिल्ली में आपको कार से घुमाने वाला हूँ, क्योंकि रियल में बहुत अच्छा लगा मुझे दिल्ली आज घूम के। तो आइए चलते हैं, ऑटो देखिए, ऑटो अभी अवेलेबल है, बट ये ऑटो भी हट जाएंगे 4 तारीख के बाद से, सारे ऑटो हटा दिए जाएंगे दिल्ली में। तो थोड़ा सा कन्वीनियंस ऊपर नीचे होगा, थोड़ी परेशानी होगी, बट हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। ये देखिए तिरंगों से सजाया गया जितने भी सबवे, और आपको स्काई वॉक मिलेगा। अभी मैं आपको दिल्ली का सबसे पहला स्काई वॉक दिखाऊंगा, फिलहाल मैं नीचे चलता हूँ, आपको नीचे का ब्रिज दिखाते हुए, जो नीचे सबवे से यू टर्न के लिए, ये देखिए कितनी अच्छी फैसिलिटी बाहर की टेक्निक अपनाई। ये देखिए ये नीचे से सबवे बनाया गया, ये वाला अभी ओपन है क्योंकि ये दोस्तों, हर किसी ब्रिज और फुटओवर ब्रिज पे आपको मिलेगा G20 लिखा हुआ, जो रात में इसमें लाइट जलती है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको वो जगह जहाँ G20 समिट होने वाली है दोस्तों। तो उस यहाँ पे कार रोक के अलाउ नहीं था, बट मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली, पूरा दिखाऊंगा, पूरे रोड पे मैं घूमा था एक्सप्लोर करके, अब आपको दिखाता हूँ दोस्तों। यही वो जगह है जहाँ पे G20 समिट होने वाला है, नई कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग बनी है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं इसके अंदर, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, जो कि आज अब कंस्ट्रक्शन होके स्टार्ट होने वाला है 8 तारीख को, और 1972 में बना था ये लास्ट टाइम। अब देखिए इस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारी पुलिस है, और यही है वो जगह जहाँ पे समिट हो। दोस्तों ये और पास से दिखाता हूँ, ये है वो जगह, इतना सुंदर बनाया गया है दोस्तों, किसी स्टेडियम से कम नहीं है ये, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी हम दूसरे शहर में आ गए, पेरिस ऑस्ट्रेलिया का फील आ रहा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब चलिए चलते हैं, घूमते हैं दिल्ली, अब एम्बेसी रोड चलेंगे, उच्च न्यायालय चलेंगे, इंडिया गेट, काफ़ी सारी जगह, लाल किला मैं आपको घुमाता हूँ, और हर जगह आप इजीली घूम सकते हैं। पर दोस्तों आपको दिल्ली से अगर बाहर है तो दिल्ली में 10 तारीख के बाद ही आना, उससे पहले अलाउ नहीं है, ये मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। ये देखिए जितने भी फ्लैग्स यहाँ पे लगे हुए हैं, सभी देशों के प्रेसिडेंट्स दिल्ली आ रहे हैं। तो चलिए घुमाता हूँ, दिल्ली में ज़रूर आना आप आफ्टर 10, या फिर दिल्ली में जो है वो भी घूम सकते हैं, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा, न्यू दिल्ली आपको सच में ही नहीं लगने वाली है। तो दोस्तों फाइनली इंडिया गेट के सामने हम, अगर आप पहले इंडिया गेट आए होंगे ना तो काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, आप आना खुद घूमना फिर मुझे बताना क्या चेंजेस आ चुके हैं इंडिया गेट में। और ये आप सामने देखें यहाँ पे जो नेवी का हेड क्वार्टर है, इसलिए यहाँ से अब हम एम्बेसी रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना, कुछ पूछना हो तो। सो गाइस अभी हम हैं होटल सम्राट, जो कि 5-स्टार होटल है दिल्ली में, जो जितने भी VIPs वो सारे के सारे मोस्टली यहीं पे स्टे होते हैं। तो हम अभी होटल सम्राट के पास से निकल रहे हैं, और आप खूबसूरती देखिए दिल्ली की कितनी अच्छी तरह से, देखिए सामने किंग लॉयन बैठा हुआ है। तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, अब हम जाएंगे सीधा US एम्बेसी एंड ब्रिटिश एम्बेसी के पास, और वो रास्ता बहुत ही खूबसूरत होने वाला है दोस्तों। ये है होटल सम्राट, यहाँ से निकल रहे हैं अब हम।
दोस्तों जिस टाइम हम वहाँ इंडिया गेट थे उसी टाइम होम मिनिस्टर जी की विजिट भी थी, तो आप जितने भी गाड़ियों में देख रहे हैं ये वीवीआईपी होम मिनिस्टर जी जा रहे थे, तो थोड़ी देर रोका हमें गाड़ी। दोस्तों अगर आप दिल्ली में हैं तो जनपथ में तिब्बतीन मार्केट को जरूर एक्सप्लोर करें, काफ़ी अच्छी मार्केट है तिब्बतीन, यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। और सामने ही आप देख रहे हैं फ्लैग इंडियन, जो कि है कनाट प्लेस दिल्ली में, जो कि हार्ट ऑफ दिल्ली कहा जाता है। तो कनाट प्लेस आप ज़रूर एक बार एक्सप्लोर किए कीजिए अगर आप आउट ऑफ दिल्ली के हैं या फिर दिल्ली के। तो जैसे ही आप मंडी हाउस में एंटर करेंगे आपको सामने स्टैचू मिलेगा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी। तो दोस्तों दिल्ली में एक आईटीयू के पास ही, जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये है शहीदी पार्क, जो कि वेस्ट से बना है, जैसे वेस्ट ऑफ वंडर अगर आप गए होंगे सेम उसी तरह से बना है, बट ये उससे काफ़ी अलग है। रात में यहाँ पे लाइटिंग होती है और यहाँ पे जो टिकट है 50 रुपये से स्टार्ट है, तो आप फैमिली के साथ आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं शहीदी पार्क, जो अभी अभी 1 महीना पहले ही ओपन हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं